Welcome on RCI online Pathshala. Now we start question number 13. Let A equal to this type of matrix and B equal to this type of matrix. और question ने कहा है कि आप इन दोनों जो matrix given है इनका आपको multiplication find out करना है. तो मैंने इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो multiplication कैसे होगा? A B, तो इन दोनों को लिख दिया. इन दोनों को जैसे लिखा उसके बाद इनको मैंने ये आपको अपने से करना है, ये आपको अपने से मल्टीप्लाई करना है और वो ये आएगा 800080 और 008. तो आपने इसमें क्या किया है, 8 को क्या कर निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया, तो क्या बना 100010 और 001. तो ए बी इक्वल टू क्या आया, 8i. ए बी इक्वल टू 8i. आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह है. तो ए बी इक्वल टू 8i आ गया. यहां तक एक बार आप नोट करिए. देखिए आपने ए बी इक्वल टू 8i निकाला और वहां पे आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. उसके बाद देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1. आप देखिए इसको कैसे करेंगे, चेंजिंग इंटू मैट्रिक्स फॉर्म, फॉर हिंदी मीडियम, आव्यूह रूप में परिवर्तित करने पर देखिए 1 -1 और 1 और 1 -2 -2 2 1 3 और यहां पे होगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 491. ये आ गया. अब देखिए ध्यान देना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है b. अब तक अपन क्या करते थे, ax इक्वल टू b करते थे, लेकिन यहां वो केवल एक नोटेशन होता था. आप ये नहीं कह सकते कि पहले तो आपको a अज्यूम करना पड़ेगा, फिर x करना पड़ेगा, फिर b करना पड़ेगा. नहीं, आपने पहले a b और a अज्यूम कर लिए थे, तो ये b है. आप चेक कर लो, लिखा हुआ होगा ना अपने कॉपी में उससे, तो b और ये x. अब इसको कुछ अनदर फॉर्म बोलो, इसको c बोल दो. बिल्कुल क्लियर है ना, यहां आप c बोल सकते हो. अब क्या होगा, यहां से एम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, b इनवर्स c. भाई ax इक्वल टू b था तो x इक्वल टू a इनवर्स b था. अब क्या होगा, x इक्वल टू b का b इनवर्स इक्वल टू c. ठीक है, इतना हो गया. उसके बाद देखो ध्यान से, अब b इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें, इस पे बात गौर करने की है. तो सुनो ध्यान से कैसे करना है. आपने जो पहले ab इक्वल टू 8i लिखा, वहां पर जाओ और देखो बोथ साइड्स यहां से यू स्टेप. या आप एक काम करो, और भी इजी हो जाएगा. देखिए सिंस वी नो दैट ए बी इक्वल टू 8i, ये आप सॉल्व कर चुके थे. उसके बाद देखो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स. तो देखिए ए बी बी इनवर्स इक्वल टू 8i बी इनवर्स. तो देखो ए आई बी बी इनवर्स, यानी ए इनवर्स वाला फॉर्मेट है. और यहां पे क्या होगा, 8 बी इनवर्स. आई से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो यहां से क्या होगा, ए इक्वल टू 8 बी इनवर्स और 1/8 ए इक्वल टू बी इनवर्स. तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या आया, 1/8 ए आया. हो गया. अब देखो, अब बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा. ए आपको पता ही है, तो देखना इसको आप नंबर 1 बोल सकते हो,
वैल्यू ऑफ बी इनवर्स पुट इन फर्स्ट वी गेट एक्स को क्या बोलोगे एक्स वाई जेड, उसके बाद बी इनवर्स आपने क्या फाइंड आउट किया है, या अभी आप एक मिनट के लिए ऐसा लिख लो एक्स इक्वल टू वन बाई एट ए, बी इनवर्स का वैल्यू क्या है वन बाई एट ए, और यहां पे क्या लिख दो सी। अब इसके बाद देखिए कैसे होगा, ध्यान दो। देखिए अब आपने क्या किया, एक्स का वैल्यू रखा एक्स वाई जेड वन बाई एट, ए आप जो जूम करके चले थे उसको लिख दिया और सी का वैल्यू रख दिया। उसके बाद देखो क्या होगा, एक्स वाई जेड उसके बाद देखो वन बाई एट, और इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो एक चौबीस, यहां पे माइनस सिक्सटीन और यहां पे माइनस एट आने वाला है। अब उसके बाद आप इनको, अब देखिए आप ये तो सोल्व कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आप कर सकते हैं उसको मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा। उसके बाद एक्स वाई जेड इस एट को अंदर ले जाओ तो क्या होगा थ्री माइनस टू माइनस वन। अब क्वेश्चन बिल्कुल हो चुका है तो देखिए ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, दोनों तरफ तुलना करने पर क्या होगा, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है।